अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबको पता है कि कोविड की वजह से हमारी क्लासेस का जो है, हमने ऑनलाइन सिलसिला हमने स्टार्ट किया है अपनी क्लासेस का। तो आज हमारा ऑनलाइन हमारा पहला लेक्चर है ऑन कैंपस। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं अपना लेसन वन, जो है हमने रीडिंग कर ली थी ना। तो ये हमारी बुक है उर्दू की। हाँ, मैं हूँ आसिया अमान, आपकी उर्दू की टीचर, सही। और ये हमारी उर्दू की बुक है अलबाकियों की उर्दू माँ कवायद इंशा अमनी किताब, ठीक। और ये हमदे बारी ताला है जो हमने क्लास में पढ़ी थी और आप सब ने भी इसकी रीडिंग की थी, सही। तो क्लास में मैंने आपको ये वर्ड दिया था। अच्छा, एक और बात कि आपने अपनी उर्दू और उर्दू ग्रामर की दोनों की कॉपीज़ मैंने कहा था कि रेडी कर लें, आप थीम भी बना लें, फ्लो चार्ट भी बना दें, ऐसे हमारी अव्वल की हेडिंग भी लगा दें। और उसके बाद हमने उर्दू के, उर्दू क्या है उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी और आपको याद भी करवाई थी। उम्मीद है कि याद होगी, मैं क्लास में बार बार आपसे पूछ भी चुकी हूँ, सही, कि उर्दू का आगाज़ कैसे हुआ। और इसके अलावा फिर ये था कि हमने फिर हमद स्टार्ट की थी और मैंने कहा था कि आप सब बच्चों ने हमद अपनी कॉपीज़ पे बहुत खूबसूरत सी करके लिख के लानी है, ओके। तो उम्मीद है कि आपने हमद लिखी होगी अपनी कॉपीज़ में। हमद लिखने के बाद आपने नेक्स्ट पेज पे क्या करना था, नए अल्फाज या ख़ास अल्फाज की हेडिंग डालनी थी। और मैंने आपको ये टास्क दिया था क्लास में, बल्कि आपका ये क्लास वर्क भी था और होमवर्क भी था, कि आपने इस नज़म में से ख़ास अल्फाज और नए अल्फाज खुद ढूंढ के लिखने हैं। जो बुक वालों ने दिए वो भी, लेकिन आपकी अपनी भी, जो ऐसी ऐसे वर्ड्स हैं जो आपने फ़र्स्ट टाइम सुने हैं या ऐसे अल्फाज जिसका मायना आपको नहीं आता, तो आपने वो लिखने हैं। उम्मीद है कि आपने लिखे होंगे, तो नहीं लिखे तो ये देख लें इस तरीके से ख़ास अल्फाज की हेडिंग डाल के। अब मैंने आपके लिए क्या निकाले ख़ास अल्फाज, सहर, खौफ, ख़तर, सुनसान, मरघट, ख़ता, औसान, बयाबां, कवि, शाहसवार, बाग, घुमसान, हैबत, ओके। तो ये ख़ास अल्फाज हैं जो आपने लिखने हैं। उम्मीद है कि आपने लिख लिए होंगे। अब हम आते हैं अपनी मश्क की तरफ, ठीक है। अब आपने डालनी है मश्क की हेडिंग। सॉरी, मैं यहाँ डालना भूल गई हूँ। आपने मश्क की हेडिंग डालनी, उसके बाद आपने ये लिखना है खाली जगह पुर करें या खाली जगह पुर करें। तो हमारी पहली फिल द ब्लैंक्स है, इस हमद के शायर का नाम डेश है। क्या है इस हमद के शायर का नाम? आपको मैंने बताया था, याद भी करवाया था, उम्मीद है कि आपको पता होगा, याद होगा। अगर नहीं पता तो बुक्स खोलें अपनी। हाँ जी, बुक्स खोलें हमद के। देखें, लास्ट में शायर का नाम लिखा हुआ है। क्या नाम है? इस्माइल मीरठी, ठीक है। इस हमद के शायर का नाम है इस्माइल मीरठी। अब दूसरी हमारी फिल द ब्लैंक्स है, वो है जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो, उसको क्या कहते हैं? उसको डेश कहते हैं। डेश में क्या आएगा? हमद कहते हैं। वेरी गुड, ये तो सबको आता है और मैं क्लास में पूछ भी चुकी हूँ बार बार, आप सबको इसका आता है, इस ये खाली जगह जो आपको आती है, ठीक है। अब तीसरी हमारी है, ये मैंने आपकी हमद में से एक मिसरा उठाया है, क्योंकि मेरा डेश मेरे साथ है, क्योंकि मेरा डेश मेरे साथ है। इस डेश में क्या आएगा? आप अपनी अपनी बुक्स खोल के सामने रखें और देखें क्या आएगा। क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है, सही। और चौथा भी मैंने शेर लिया है आपकी हमद में से, आपकी जो बुक में हमद है उसमें से मैंने ये शेर लिया है। हे हमेशा मेरी डेश पे नज़र, रात हो दिन हो शाम के डेश। तो इसमें क्या आएगा? अपनी अपनी बुक्स खोलें, शाबाश जी। हे हमेशा मेरी खुदा पे नज़र, रात हो दिन हो शाम के सहर। अब हमारा जो नेक्स्ट हमने सवाल नंबर दो बनाया है वो है माना लिखें। माना लिखें, किसके माना ये अल्फाज आपको दिए गए हैं, आपने इनके